गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। संत ज्ञानेश्वर महाराज अद्भुत विभूति है, जिनके जीवन में योग और भक्ति दोनों का मेल है। योग के चमत्कार भी है, भगवान की भक्ति भी है। जिनको भारत भर में तो जाना ही जाता है, जो भी भारतीय है बाहर है वे भी उनकी जानकारी रखते हैं। उम्र बहुत छोटी है, इतनी छोटी उम्र में हम लोगों को छोटी उम्र के बारे में जो पता है वो स्वामी विवेकानंद 39, भगवान शंकराचार्य उससे भी कम 32, और संत ज्ञानेश्वर जी कुछ लोगों के हिसाब से 20, कुछ लोगों के हिसाब से 18, कुछ लोगों के हिसाब से 21। मतलब उम्र 21 से आगे नहीं जाती है। इतना सारा अद्भुत कार्य करके जीवन लीला अपने से विराम की है, संजीवन समाधि स्वीकार की है। चरित्र देखना भी एक अद्भुत बात है। दादाजी गोविंद पंत और दादी निराई, ये गोविंद पंत जी को, ये पंत जो है जैसे जी साहब ऐसे जो कहते हैं, वैसे ही मराठी में पंत कहते हैं, मतलब बड़े सम्मान के साथ में उनको पंत कह के बुलाया जाता है। गोविंद पंत जी को गहिनीनाथ से दीक्षा प्राप्त थी और उनकी योग साधना के पश्चात उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ है उनका नाम है विट्ठल पंत। ये विरागी स्वभाव के हैं। 20-22 साल के उम्र में घर से बाहर निकल गए, बताया मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। पिताजी ने कहा ठीक है जाओ। तीर्थ यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं करते करते आलंदी में पहुंचे। उस आलंदी में कुलकर्णी महोदय के घर में रहे और वहां पे इनका जो व्यवहार है वह देखकर, क्योंकि ये विरागी है, ग्रंथों के अध्ययन में समय लगाते हैं, पूरे समय साधना में लगे हुए हैं, सिद्धोपंत जो संत ज्ञानेश्वर जी के नाना हैं, उनको सपने में दृष्टांत हुआ कि यह जो लड़का है उसको अपनी लड़की दे दो। सवेरे उठ के उन्होंने बताया, मुझे ऐसे दृष्टांत हुआ है कि मैं अपनी कन्या आपको ब्याह दूं। तो ये जो विट्ठल पंत है मुस्कुरा दे और बोले कि मुझे ऐसे कोई दृष्टांत की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको हुई है, वो बात दूसरी है। उस रात को विट्ठल पंत को सपने में दृष्टांत हुआ कि आप उनकी लड़की के साथ में विवाह कीजिए।
अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है कि बच के जाए। उन्होंने सम्मति दी, विवाह किया। विवाह के बाद में पति पत्नी दोनों मिलके पंढरपुर गए, दर्शन किया, तीर्थ यात्रा की, फिर से वापिस आए, आलंदी में रहे। अभी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है, साधना चल रही है, ग्रंथों का अध्ययन चल रहा है, संतति की प्राप्ति नहीं हुई है। और इनके मन में पूरे समय बात यही है कि मुझे माइक बंद पड़ रहा है। विट्ठल पंत के मन में पूरे समय यही बात है कि मुझे सन्यास लेना है। अब तक की बात दूसरी थी, विवाह नहीं किया था तो सन्यास की कोई बात नहीं थी, ले सकते थे। अभी सन्यास यदि अगर लेना है तो पत्नी की अनुमति आवश्यक है। शादी के पहले आदमी जो होता है ना, बड़ा खुश होता है। जब शादी कर लेता है तो सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को पता है क्या? बताते हैं, शेर है, सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, लो शादी क्या करी, स्वर्ग वासी हो गई। तो अभी परेशानी है कि सन्यास दीक्षा लेनी है और पत्नी की अनुमति चाहिए। पत्नी कैसे अनुमति दे सकती है? लेकिन इनके मन में पूरे समय यही बात लगी हुई है। एक दिन रुक्मिणी माई, उनका नाम रुक्मिणी है, रुक्मिणी माई ने झल्ला के बोल दिया जाइए। होता है ना, कोई एक ही बात के लिए चिक चिक करते रहे तो आदमी झल्ला जाता है, तो झल्ला गई और बोल दिया जाओ। उसी बात को पकड़ के ये निकल गए। काशी में जाके सन्यास दीक्षा प्राप्त की, वहां आराम से रह रहे, इनकी साधना चल रही। अभी इनके जो गुरुदेव है, ये काशी यात्रा के लिए निकले और ये पहुंचे आलंदी में। वहां ये रुक्मिणी मैया गई, कोई महात्मा आए हैं उनके चरण छुए, जो परंपरागत आशीर्वाद है, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव, सुहागन दिखाई दे रही है तो आशीर्वाद दे दिया। ये हंसने लग गई। उन्होंने पूछा कि उनके साथ जो सहेलियां थी, पूछा कि बोले इसको हंसने क्या हो गया, ये तो सुहागन है और इसके लिए मैंने आशीर्वाद दिया और ये हंस रही है। तो बोले इसके पति महोदय जो है चले गए हैं, कैसे ये सौभाग्यवती पुत्रवती होगी, पुत्र है नहीं और होने की संभावना नहीं, इसके लिए वो हंस रही है। बोले मैं सत्यवचनी हूं, मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते, मेरे मुंह से यदि अगर ये बात निकली है कि इसके पुत्र होंगे तो इसके वास्तव में पुत्र होंगे। बोले अभी तो उसको खोजना पड़ेगा। सिद्धू पंत को और रुक्मिणी जी को साथ में लेके वापिस काशी पहुंचे और जिस शिष्य के विषय में उनके मन में संदेह था, क्योंकि उन्होंने पूछा कैसा है क्या है, सारे लक्षण पूछने के बाद में उनके मन में था कि यही शिष्य हो सकता है और अपना ही शिष्य है। वापिस लौट के उन्होंने कहा भाई सच सच बताओ, तुम्हारी हालत क्या है, सच यदि अगर बताओगे तो बच जाओगे। तो उसने बताया कि बात यह है, मुझे अनुमति तो मिली लेकिन झल्ला के उसने बोल दिया कि जाओ, मैं निकल आया। उन्होंने बोला उसको साथ में लेके आया हूं और अभी वापस जाना पड़ेगा। मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं, मैंने उसका आशीर्वाद दिया है कि तुमको पुत्रों की प्राप्ति होगी।
गुरु की आज्ञा से वापिस आए। उसमें वर्णन आता है कुछ व्रत ऐसे हैं कि जो आपके पापों से आपकी शुद्धि कराते हैं, उसमें से चांद्रायण व्रत जिसका उन्होंने स्वीकार किया। चांद्रायण व्रत होता है, अमावस्या के दिन कुछ भी नहीं खाना है, प्रतिपदा के दिन एक और खाना खाना है 24 घंटे में, द्वितीया के दिन दो कौर, ऐसे पूर्णमासी तक बढ़ते जाएगा, फिर से अमावस्या तक घटते जाएगा, फिर से अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते जाएगा, उतना ही खाना है, उससे अधिक खाना नहीं है। ऐसे उन्होंने पैदल जो यात्रा की काशी से आळंदी तक, तो यही उनका नियम चलता रहा। आळंदी में आए, रहने लगे और पहले संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, अभी चार संतानें पैदा हुई। बड़े के नाम, बड़े का नाम रखा निवृत्ति, दूसरे का नाम रखा ज्ञानदेव। मैं ज्ञान शब्द कह रही हूँ, मुझे डर लगता है अभी ज्ञ शब्द का उच्चारण करने में। हिंदी वाले इसे ज्ञ कहते हैं, मराठी वाले इसे ज्ञ कहते हैं। वास्तव में उसमें च छ ज झ ञ, इसमें से ज और ञ ये दोनों को मिलाकर बनता है यह संयुक्त वर्ण, और इसके लिए उसका उच्चारण है ज्ञ। अभी आदत पड़ी हुई है तो हमारा उच्चारण ज्ञ ही निकलता है, क्योंकि भगवद गीता में जहाँ भी आता है वहाँ पे ज्ञ का ही उच्चारण करने की आदत है, तो उसके साथ साथ बाकी जगह भी उसके उच्चारण की आदत हो गई है। और महात्मा लोगों ने ही हमको बताया कि अच्छा हुआ इसके बारे में बता दिया, नहीं तो गलत फहमी थी कि भाई ठीक से बोलना आता नहीं है। ज्ञानदेव, तीसरे सोपानदेव और चौथी मुक्ताई। ये जब वापिस आए और फिर से गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया तो पूरे समाज ने इनका तिरस्कार किया है और इनको देश निकाला दे दिया है, बस्ती से बाहर रहना है, समाज में किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है और ये ऐसे ही जी रहे हैं, वैयक्तिक साधना चल रही है। इसके लिए इन चारों बच्चों के लिए शास्त्र ग्रंथ जो है, पैदा होने से ही शास्त्र ग्रंथ सुन रहे हैं, शास्त्र ग्रंथों के अध्ययन की कोई नई बात नहीं है, वे ग्रंथों को सुनते हुए ही बढ़ रहे हैं। जब निवृत्तिनाथ 5 साल के हो रहे हैं तब अभी विट्ठल पंत के मन में ये बात है कि ब्राह्मण के बच्चे हैं, हम दोनों को देश निकाला दे दिया है, कोई बात नहीं है, बच्चों को समाज स्वीकार करे, बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाए और समाज उनको स्वीकार करे। हमारी गलती की जो सजा है यह बच्चों को नहीं दी जाए, लेकिन हम धर्म धुरंधर लोग हैं और इसके लिए बच्चों को सारे समय सन्यासी के बच्चे हैं, इसी नाम से उनको कहा जाता है, मतलब हर समय उनका अनादर किया जाता है कि देखो इनका बाप सन्यासी बना था, फिर से गृहस्थाश्रम में वापस आ गया और बच्चों को पैदा किया। वो सारी बातें सुनते हुए ही पले हैं। उन्होंने धर्म धुरंधरों से प्रार्थना की कि भाई आप बच्चों को स्वीकार कर लीजिए, हमको जो भी सजा आप दे हम सजा स्वीकार कर लेंगे। बोले ठीक है, हम लोग शास्त्र ग्रंथों को देख के बताएंगे इसके लिए आपको क्या सजा स्वीकार करनी होगी।
और धर्म धुरंधरों ने बैठ के सलाह करके उनको बताया, आप लोगों को देहांत प्रायश्चित है, मतलब आपको दोनों को मरना पड़ेगा, उसके बाद में आपके बच्चों को हम स्वीकार कर लेंगे। बड़ा 5 साल का, 4, 3, 2, मुक्ताबाई की उम्र 2 साल की। इन्होंने इस बात को मान लिया कि यदि अगर हम लोग मर जाते हैं तो हमारे बच्चों को समाज स्वीकार कर लेगा। इसके लिए गोदावरी में दोनों ने जल समाधि स्वीकार कर ली। लेकिन हमारे धर्म धुरंधर बड़े कुशल हैं। जब ये बात आई कि अभी इनका स्वीकार हो, उन्होंने बताया हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपको पैठन जाना पड़ेगा, तो पहला निर्णय कैसे दे दिया? आपको यदि अगर बात पता नहीं है तो पहला निर्णय आपने कैसे दे दिया? पहले ही बताते पैठन जाओ। सोचिए हमारे घर के 5 साल के 6 साल के बच्चे को क्या क्या चीजें आती है करना, अपने आप को संभालना नहीं आता है। और हम भी इतने भोले भाले बनते हैं, नहीं बेटा तुमको कुछ नहीं आएगा, नहीं बेटा तुमको कुछ नहीं आएगा, और हमारा बेटा भी बैठ जाता है, हम भी उसको बिठा देते हैं, तुमको कुछ नहीं आएगा, तुमको कुछ नहीं आएगा। यहां पर निवृत्तिनाथ के लिए अपने आप को संभालना नहीं है, सिर्फ पीछे वाले जो 3 है उनको भी संभालना है, और पूरे गांव में पूरे समाज में किसी का साथ नहीं है। और निवृत्तिनाथ सिर्फ उम्र में बड़े हैं इनसे, ऐसी बात नहीं है, निवृत्तिनाथ इनके तीनों के गुरु भी हैं। हमने जो गलती की उस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, ये बातें सोच के विट्ठल पंत और रुक्मिणी माता ने कई सारी यात्राएं की थी। उसमें से उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत की, त्र्यंबकेश्वर में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी यात्रा की और उसकी प्रदक्षिणा भी की। उस प्रदक्षिणा के समय में शेर की दहाड़ सुन के पूरा परिवार बिखर गया, और बाद में जब साहस करके विट्ठल पंत ने अपने बच्चों को ढूंढा तो 3 तो मिले, चौथा गायब था, निवृत्तिनाथ नहीं मिले। 3 दिनों के बाद में मिले, और तब निवृत्तिनाथ में पूरा परिवर्तन हो चुका था। वे उस दहाड़ को सुनकर जो छुपने गए वो गहिनी नाथ की गुफा थी, वह गुफा आज भी त्र्यंबकेश्वर में है। उस गुफा में वे थे और वहां पे गहिनी नाथ से उनको दीक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु की महिमा हम सब लोग जानते हैं, गुरु की सेवा करनी चाहिए, पूरे जीवन भर गुरु के साथ में रहना चाहिए। निवृत्तिनाथ अपने गुरु के साथ में 3 दिनों के लिए थे, और उसमें जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वही ज्ञान उन्होंने पीछे ज्ञानेश्वर जी को, सोपान देव जी को और मुक्ताबाई को दिया। निवृत्तिनाथ ही इन तीनों को लेके पैठन पहुंचे और वहां पे उन्होंने ये बात रखी कि हम लोगों को आप स्वीकार करें। जो बात धर्म धुरंधरों ने बताई है उसके अनुसार हमारे माँ पिताजी ने जल समाधि ले ली है। धर्म धुरंधर हंसे, वे लिखित पत्र लेके गए, उसमें नाम है, बोले अद्भुत पिता है, सन्यास लेके गए, लौट के भी आ गया, बच्चे क्या पैदा किए, निवृत्ति। कि जो इस संसार से अपने आप को हटा लेता है, बोले ये नाम बच्चे का रखा, जैसे होता है ना कि भाई ये, अरे ये सामने बाहर जो बच्चे हल्ला मार रहे हैं किसके बच्चे हैं, तो बोले नहीं वो
ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, और इतना बड़ा आश्रम बना है वो विरागी जी का आश्रम है, और ये जो जुलूस निकला है ये बड़े त्यागी जी का जुलूस है, इन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया। बोले ये बच्चे ऐसे ही है निवृत्ति, बोले ये दूसरे ज्ञान देव। बोले आप लोगों को पता है क्या, हमारे पैठन में एक भैसा है उसका नाम भी ज्ञानदेव है, सोपान देव सीढ़ी। बोले सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नहीं गए, नीचे आ गए। और कन्या मुक्ताई, उसमें सोपान देव जब उनके साथ बात करते हैं, आप लोगों को क्या आता है, सोपान देव जी उसका उत्तर देते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी सामने दिखाई देते हैं, जिन सभी का अस्तित्व है, वे सब के सब एक ही तत्व है, इस बात को हम अपने जीवन में जानते हैं और इसका अनुभव करते हैं। शुद्धि पत्र मांगने के लिए गए हैं, जो मांगने के लिए गए हैं उनकी योग्यता इतनी है, लेकिन यह सुनने के पश्चात भी मन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि धर्म धुरंधर जो होते हैं उनका विश्वास यह होता है हम ही शास्त्र ग्रंथों को जानते हैं, हमारे अलावा कोई शास्त्र ग्रंथों को जानने वाला नहीं है, और हम बता रहे हैं वही बात सच है, अन्य कोई बात सच नहीं है। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं, बोले हम लोगों को वेद भी आते हैं। बोले ये भी ज्ञानदेव है, इसको भी वेद बोलने के लिए बोलो। अभी ज्ञानेश्वर जी सोचते हैं कि ये जो धर्म धुरंधर है ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, चमत्कार देखेंगे तब कुछ समझ में शायद आएगा। उन्होंने जाके भैंसे के सिर पर हाथ फेरा और बोलते हैं बोलो, ओ शुरू, भैंसा शुरू हो गया, उसके मान में ऋग्वेद बोले जा रहा है, सब जनता देख रही है, ओम बोलना आसान है भैंसे ने, आपने उसकी आवाज यदि अगर सुनी होगी तो वो आवाज उसके जैसे हो सकती है ओम के जैसे, यदि अगर बोलने वाला सही ढंग से नहीं बोले तो उसकी आवाज ओंकार के जैसे हो सकती है, लेकिन बात सिर्फ ओम की नहीं है, बात है आगे वहां ऋग्वेद बोले जा रहा है। अब तो जितने भी धर्म धुरंधर है ये सबके सब इनके होश उड़ गए कि हमारे गांव का भैंसा है, आज तक तो नहीं बोलता था। इन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, भैंसा ऋग्वेद बोल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने प्रमाण पत्र लिख के दिया है, और वह भी जो प्रमाण पत्र है अच्छा नहीं है, उस प्रमाण पत्र की जो बात है उसमें कहते हैं कि आप लोग भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे चलाइए। मतलब क्या है, आप लोग शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, तीनों भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है, उनकी इच्छा मात्र इतनी है कि मुक्ताई को इसमें से आजादी मिले। उस बात को धर्म धुरंधरों ने स्वीकार नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि जो निवृत्तिनाथ है उनके मन में कितनी उथल पुथल होगी।
उसके बाद में इन लोगों ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने कई चमत्कार दिखाए। अभी इन्होंने चमत्कार किए तो इनका नाम फैल गया। हम लोगों को होता है चमत्कार होने से तुरंत नमस्कार होता है, हाँ बड़े चमत्कारी है, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं, और ये लोग योगी हैं। तो फिर इनको मिलने के लिए चांगदेव महाराज आए। पहले तो उन्होंने खत लिखा कि इनको पत्र लिखा जाए। पत्र लिखने के लिए बैठे, सोच रहे हैं, उम्र में छोटे बच्चे हैं तो इनको आशीर्वाद लिखे, ज्ञान में बड़े हैं तो नमस्कार लिखे, लिखे तो क्या लिखे इनको। इसी उलझन में उन्होंने ऐसे कोरा का कोरा कागज भेज दिया। यह जो बात है उसके ऊपर 65 ओवियां, जैसे दोहा, यह हिंदी का एक छंद है, ऐसे ही मराठी में अभंग है, वो लिख के भेज दिए। चांगदेव पासष्टी ऐसे उसका नाम है, 65 पासष्ट 65। चांगदेव महाराज जब मिलने आए तो चांगदेव महाराज की उम्र सिर्फ 1400 साल की है। सिद्ध योगी है, हर 100 साल के बाद में कायाकल्प करके फिर से जवान हो जाते हैं, और इनसे मिलने चले। पुणतांबा करके जगह है, वहां से तो सिद्ध है शेर पर सवार होके सांप का चाबुक बना के उनसे मिलने निकले। उनके चलने से आंधी चल रही है। जब आलंदी के पास में पहुंचे तब लोगों ने देखा, अच्छा आंधी चल रही है, तो खबर आई कि हाँ चांगदेव महाराज मिलने आ रहे हैं, इसकी आंधी है। ये चारों के चारों एक दीवार पे बैठे हुए थे। संत ज्ञानदेव जी कहते हैं, चल माई चल, दीवार चलने लगी। वो जब शेर पे सवार होके आ रहे हैं, ये दीवार इनकी चल के जा रहे हैं, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, मैं जिस पर चल रहा हूं वो जीवित जानवर है, ये दीवार पे दीवार चल रही है जो जड़ है। उन्होंने उनकी शरणागति स्वीकार की है। और उनके गुरु कौन है? मुक्ताबाई। बड़े भाइयों ने उनको देखा भी नहीं उन्होंने बताया ये तुमको समझाएगी। और इसके लिए जो ज्ञानी लोग हैं उनका विश्वास है, निवृत्तिनाथ शिव जी है, ज्ञान देव जी विष्णु भगवान है, सोपान देव ब्रह्मदेव है, और मुक्ताई आदि माया है। और इनका जो जीवन है, यह जीवन इस विषय को बताता है कि वास्तव में ये लोग सामान्य नहीं है। और एक विशेषता है इनके जीवन में, गहिनीनाथ से जैसे योग की दीक्षा प्राप्त हुई थी वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई थी। इन लोगों ने योग के चमत्कार तो दिखा दिए दुनिया को, फिर तो क्या, दुनिया जुटने लग गई। होता है ना, चमत्कार दिखाई देने से सब लोग जुटने लगते हैं कि हाँ भाई कुछ अद्भुत बात है, चलो अपना भी कुछ फायदा हो जाए। जहां भी कोई यदि अगर बता दे कि भाई आप आए तो आपकी बीमारी ठीक कर दे, हाँ, तो भीड़ लग जाती है, मेला लग जाता है। यहाँ हमारे महाराज जी बुलाए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस 3 बारी के भोजन का बंदोबस्त हो सकता है, बाकी तो और भगवान की भक्ति का आनंद मिल सकता है, लेकिन भौतिक जगत की चीजें मिलने की संभावना नहीं है। तो फिर यह निमंत्रित करके करके बुलाया जाता है। जब चमत्कार दिखाना शुरू हो गया तो लोग जुटने शुरू हो गए, लेकिन
ये चारों के चारों अपने भक्ति में लगे हैं और भक्ति के लिए ही ये आळंदी से लेकर पंढरपुर तक यात्रा करके गए, विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए। और दूसरी बात, संत नामदेव जी से मिलने के लिए। जो संत होते हैं दूसरे संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, या उनके दर्शन करने के लिए वहां पे गए, उनके दर्शन किए और वहां पे फिर अन्य संतों के साथ भी मिले। नामदेव महाराज उम्र में काफी बड़े, गृहस्थाश्रमी, भक्ति में प्रस्थापित, विट्ठल भगवान से बात करने वाले, विट्ठल भगवान को खाना खिलाने वाले, और विट्ठल भगवान के बिना जी नहीं सकते हैं, विट्ठल भगवान भी नामदेव जी के बिना रह नहीं सकते हैं। जब संत ज्ञानेश्वर जी के साथ में रहने के लिए या प्रस्ताव उन्होंने रखा कि चलिए नामदेव जी थोड़ी तीर्थ यात्रा करके आए, तो बोले मैं विट्ठल भगवान को छोड़ के नहीं जा सकता, विट्ठल भगवान भी मुझे नहीं छोड़ सकते। संत ज्ञानदेव जी ने विट्ठल भगवान को मनाया है कि आप इनको जाने के लिए अनुमति दीजिए और आप दुखी नहीं होइए उनके लिए, नहीं तो आप अनुमति देंगे और आप दुखी रहेंगे। भगवान भक्त के दर्शन के लिए दुखी होता है। और फिर नामदेव जी के साथ में उन्होंने तीर्थ यात्रा की, खूब अच्छी दोस्ती हुई और संतों की टोली बन गई। बड़े प्रेम से सब लोग पंढरपुर में रहने लगे, तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन। जैसे हमारे महंत जी कीर्तन करते हैं यहाँ पर, वही परंपरा है, नारदीय परंपरा। कीर्तन की दो परंपराएं हैं, वारकरी संप्रदाय की परंपरा और नारदीय परंपरा। नामदेव महाराज नारदीय परंपरा के कीर्तनकार हैं, त्यांचा वारकरी पंथ है, क्षमा कीजिए मेरी गलती हुई, वे वारकरी पंथ के कीर्तनकार। भजन कीर्तन, इसका आनंद भगवान के साथ रहने का आनंद है, इसी में है। और इसके पहले ही पैठन से जब निकले, चमत्कार दिखा के ये निकले, भैंसा भी इनके साथ निकला। अभी भैंसा पैठन में रहने तैयार नहीं है, भैंसा इनके साथ निकला और ये अच्छे खासे मुस्कुराते हुए वहां से सिद्धि पत्र लेकर, वहां से नेवा से करके पास में एक जगह है, वहां बैठ के उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। ज्ञानेश्वरी की रचना करने के पश्चात उनके भाई गुरु, बड़े भाई है जो गुरु भी है, कहते हैं तुमने सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा ये बताया, ये बात तो ठीक है, अपने जीवन के अनुभव के बारे में मुझे बताओ। गुरु के सामने झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया है और उस जीवन के अनुभव का नाम है अमृतानुभव। उसके बाद में उन्होंने अभंगों की रचना की है और 27 अभंग जिनको संकलित किया गया है हरिपाठ के नाम से, सवेरे भी उनको देखा था, अभी भी हम उसी को देखने वाले हैं। यह जो हरिपाठ है, हाँ, हरिपाठ शुरू करने से पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने इतना सारा सहा है, परिवार के दुख झेले हैं, और हम लोगों को कुछ जब हो जाता है तब हम झल्ला के बोलते हैं कि आप लोगों ने क्या कर लिया हमारे लिए, क्यों माने हम आपकी बात, हमको क्या दिया है आपने जो हम आपकी बात मान ले। और विद्रोही साहित्य की निर्मिति हुई है, हम लोगों पर इतना अन्याय हुआ है।
एक बारी संत ज्ञानेश्वर जी भी गुस्सा हो गए, क्योंकि जब भी दुनिया में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो सन्यासी के बच्चे ये बात उलाहना और जो कुछ गलतियां नहीं करी है उसके लिए लोगों से सुनना, गुस्सा हो के आए और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए। दरवाजे को बोलते हैं ताटी, झोपड़ी का जो दरवाजा है, ताटी बंद करके बैठ गए। मुक्ताई बाहर खड़ी है, मुक्ताई को खाना बना के खिलाने की जिम्मेदारी है अपने बड़े भाइयों को। वो बाहर खड़ी है और उसने जान लिया कि भैया गुस्सा होके बैठे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को जो ज्ञानी है उनको समझाया है ये आपका जो गुस्सा है उसको, इस गुस्से की अग्नि को ज्ञान के पानी से शांत कीजिए, दरवाजा खोलिए। ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, ये मुक्ताई के अभंग बहुत प्रसिद्ध है, ताटी से अभंग ऐसे उसका नाम है। अठारह बीस साल की उम्र होते होते जगत का अनुभव करने के पश्चात, मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वह प्राप्त करने के पश्चात, मनुष्य जीवन का ध्येय है हम कौन हैं अपना सही परिचय प्राप्त करें। वह सही परिचय प्राप्त किया है, अमृतानुभव में वह बात अपने गुरु को बताई है, मेरा अनुभव यह है। हम लोगों की दृष्टि से भगवान के दर्शन करने चाहिए, विट्ठल भगवान को मनाने का काम कर सकते हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लिया है, दुनिया को सहते सहते अभी बात मन में आई है बहुत हो गया, अपने गुरु से आज्ञा मांगी है मुझे संजीवन समाधि प्राप्त करनी है। गुरु ने कहा ठीक है। सारे के सारे संत वहां से पंढरपुर से आनंदी आए हैं, संत नामदेव महाराज साथ में हैं, और संत ज्ञानेश्वर जी का जो जीवन है यह जीवन नामदेव महाराज ने अपने अभंगों में लिखा है, अद्भुत है सारा का सारा वर्णन। समाधि का भी जो वर्णन है उसमें बात आती है, जब से निश्चय कर लिया है संजीवन समाधि लेनी है उसके बाद में जगत का संत ज्ञानेश्वर जी के मन पर कोई परिणाम नहीं है, वे स्थिर चित्त है, सबके साथ बात करते हैं, जितनी बात करनी है उतनी बात कर, उसके बाद में आगे कुछ नहीं। जैसे दर्पण होता है, दर्पण में हर प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण हर प्रतिबिंब को दिखाता है उसको पकड़ के नहीं रखता, कैमरा प्रतिबिंब को पकड़ के रखता है। संत ज्ञानेश्वर जी का मन कैमरे के जैसा नहीं है, हमारा मन कैमरे के जैसा है, सारे इंप्रेशन इकट्ठा करता है, उनका मन दर्पण के जैसा है, वहां से वो चीज हट गई उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है। और इसी स्थिति में बहुत सारा लंबा वर्णन है, उन्होंने संजीवन समाधि ली है। हम यहां पर जो हरिपाठ देखने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी प्रस्तावना, संत ज्ञानेश्वर जी का इतना ही चरित्र मुझे बताया था, थोड़ा 15-20 मिनट के लिए बता देना, लेकिन इतना बड़ा चरित्र जो इतना महत्वपूर्ण है उसको इतने समय में समेटना भी सिर्फ बातें बता दी है, विस्तार में यदि अगर जाते हैं तो बहुत अद्भुत चरित्र है। और हम लोग जो शिकायत करते हैं कि जगत ने हम पर अन्याय किया है, इतना सहने के बाद में संत ज्ञानेश्वर जी ने जो मांगा है वह है पसायदान, और उस पसायदान में कहते हैं पूरे जगत का विश्व का कल्याण हो, ये नहीं मांगते कि मेरा भला हो। जिस जगत ने इतना अन्याय किया है
उस जगत के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यह है पसायदान की विशेषता, यह है संत ज्ञानेश्वर जी का जीवन। जब भी हम दुखी हो और हमको लगे कि हम बहुत दुखी है, इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, एक बारी संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र उलट के देख ले तो पता लगे कि हम लोग बहुत सुखी हैं। जो ज्ञान भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवद गीता का जो भाष्य है उसमें दिया है, उससे अधिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड अमृतानुभव है। और अमृतानुभव से भी सार निकाल के इन हरि पाठ में रखा है। दिखाई देने के लिए 27 अभंग है, सारा का सारा ज्ञान उसमें सार रूप से कॉन्सेंट्रेटेड है। धीरे धीरे करके शांति से उसको देखेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का करके देखेंगे। गहराई से उस पे चिंतन सवेरे के सत्र में। हम लोग भगवान को याद करते हैं और उनका जो पहला ही अभंग है उसमें आता है, हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी। बताते हैं हरि बोल और उसी को लेकर प्रारंभ करने से पहले हमने भगवान को याद किया। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं, वहां पे उस अभंग में पहली बात आती है कि भगवान के सामने खड़े होना मतलब अपने अंदर देखना। हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, दीर्घ काल तक खड़े रहते हैं, और हम जितना लंबा समय भगवान के सामने रहेंगे उसका मतलब होता है भगवान के सामने हमारे मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है। भगवान मेरे लड़के को नौकरी लगा दो, भगवान मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का दे दो, शादी करानी है, भगवान मेरा कोर्ट का केस इतने सालों से चल रहा है उसको सलटा दो। हम जितना ज्यादा समय उनके सामने खड़े रहेंगे उतने हमारी लिस्ट लंबी होती है। कुल मिला के बात होती है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को किया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। भगवान को याद इसीलिए करते हैं। वृंदावन में जब मैं दर्शन के लिए गई पहली बार, गर्मी का मौसम था और बिहारी जी के मंदिर में मोगरे के फूलों से पूरे सजाया जा रहा था। मैंने बोला क्या बात है, गर्मी के दिन में इतना मोगरा चारों तरफ है तो एकदम आराम हो जाता, सुकून मिल गया। मैंने बोला क्या अद्भुत बात है। बोले अभी देखो तुमको और बातें पता लगेंगी। क्या बातें पता लगेंगी? बोले बिहारी जी जिस सेठ की तरफ से आज ये सब कुछ है, बिहारी जी उनके पार्टनर है बिजनेस के, बिहारी जी को बिजनेस में पार्टनर बनाया जाता है। अच्छा 50-50 ये कोई पार्टनरशिप होती है क्या? 50-50 की 0.001 भगवान इतना तुम्हारा है बाकी मेरा है। इतना तुम्हारा है बाकी मेरा है, क्यों पार्टनर बनाते हैं? बिहारी जी यदि अगर मेरे बिजनेस पार्टनर है तो मेरा बिजनेस अच्छा चलता है।
इतनी पार्टनरशिप देने से भी मेरा बिजनेस बढ़ता है, इसके लिए बिहारी जी मेरे पार्टनर है। और व्यवहार में पार्टनर को धोखा दे सकते हैं, बिहारी जी को यदि अगर धोखा दिया तो मेरा बिजनेस गया। तो बिहारी जी के हिस्से का पूरा हिसाब करके जितना आता है वो बिहारी जी के मंदिर में लगाना है। इसके लिए फिर फूलों से सजाओ, फिर जन्मदिन के दिन गहने लुटाओ, साड़ियाँ लुटाओ, खिलौने लुटाओ, जितना बिहारी जी का है सबका सब बिहारी जी को देना है। इसको कहते हैं हमारी भक्ति। हम इसके लिए हरि बोल हरि बोल, हमको तब भगवान की याद आती है। हमको जब कोई परेशानी होती है तब भगवान की याद आती है। क्या करें भाई, इतनी परेशानी है, बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई भी काम करते हैं ठीक होता ही नहीं है, सारा काम उलट ही जाता है, क्या किया जाए। नौकरी कर रहे हैं ठीक नहीं चलती है, बार बार नौकरी बदलती है, बिजनेस शुरू किया वो भी नहीं चलता है, परिवार में भी खिटपिट रुकती नहीं है, क्या करे। फिर कोई समझदार बताता है, अरे आबा महाराज मंदिर में जाओ, वहां पे जो चलता है तो थोड़ा उसमें कुछ संगत में लग जाओ, थोड़ा भगवान का स्मरण करो, ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम भगवान का स्मरण करते हैं। क्या करो भगवान, तुम्हारा नाम ले रहे हैं, हमको भी देखो। और क्या करो, दुख दर्द को मिटा दो, हमारे दुख दर्द को मिटाओ। इसके लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, इसके लिए हम भगवान का स्मरण करते हैं। यहां पर जो बता रहे हैं भगवान का स्मरण जो करना है, उसमें अगली बात है, पुण्याची गणना कौन करी। भगवान का स्मरण करो जिससे कि पुण्य की प्राप्ति होगी। हाँ, ये बात अच्छी बैठती है, बाकी कुछ प्राप्त नहीं होगा तो पुण्य की प्राप्ति तो होगी। और बताते हैं भगवान का नाम लेने से शांति प्राप्त होती है, भगवान का नाम लेने से शांति होती है, सत्संग में जाने से शांति होती है। इसके लिए सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन राज की बात है, शांति कहाँ होती है नहीं बताते। जब आप लोग सत्संग में आ गए तो घर में शांति है। परिवार में शांति है। जब आप पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं तो घर में बच्चों के लिए शांति है कि भाई जब तक लगे तब तक तो चैन से रह ले, एक बारी वहां से उठ गए तो हमारी खैरियत नहीं है, इनका पूजा पाठ खत्म, हमारी परेशानी शुरू। यह जो है, यह भक्ति जो है, यह भक्ति नहीं है। हम भगवान का नाम लेते हैं, पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए इसके लिए। ये पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे और वहां पे सारे गांव के लोग जुट जाते थे। आजकल के जैसे टीवी तो था नहीं पहले, वो एक इडियट बॉक्स हमारे घर में है, सबके सब बिजी रहते हैं उसमें, वो था नहीं तो सबके सब सत्संग में जाते थे। एक बंदा था, पक्का था, बोले मैं तो सत्संग में नहीं जाऊंगा। गांव के लोगों ने बोला
बोले देखिए महात्मा जी, हमारे गांव का एक बंदा है, एकदम पक्का है, बोलता है मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा और भगवान का नाम तो लेना ही नहीं है मुझे, मैंने भगवान का नाम नहीं लेना। बोले कैसे नहीं लेता है, उसको आप एक दिन पकड़ के ले आइए। हट्टे कट्टे लोग उसको पकड़ के ले गए, बोले नहीं नहीं चलना पड़ेगा। वहां जाके महात्मा जी बोलते भगवान का नाम लो, मैंने नहीं लेना है। अभी महाराज जी के इज्जत का सवाल है, मैंने सब लोगों के सामने बोला है उसको लाओ यहां पे, मैं उससे नाम निकाल के रहूंगा, वो भगवान का नाम लेगा मेरे कहने से, नहीं लेता है। कभी तो समर्थ संप्रदाय से होंगे शायद, हट्टे कट्टे थे महात्मा जी, महात्मा जी चढ़ गए उसके सीने पे, तो लेता नहीं है ना। बोले एक बारी राम बोलेगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। अभी महात्मा जी हट्टे कट्टे हैं, नीचे गिरा के सीने पे बैठे हुए हैं, मुक्का ताने, छूटना संभव नहीं है। और महात्मा जी तुल गए हैं कि यदि अगर एक बारी नाम लो तो छोड़ता हूं, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, पिटाई करूंगा तुम्हारी, और कर भी रहे पिटाई। छुटकारा पाने के लिए एक बारी बोल दिया राम, बोले ठीक है छोड़ देता हूं तुमको। मरने के बाद में ये पूरी की पूरी बात पहुंची चित्रगुप्त जी के रिकॉर्ड से यमराज के दरबार में। चित्रगुप्त जी बताते हैं भगवान पहली बारी ऐसे केस हमारे कोर्ट में दाखिल हुआ है, इसको कितना पुण्य जमा कराए मुझे पता नहीं है। बोले क्या हुआ, बोले पूरे जिंदगी में एक बारी राम बोला है, खुशी से नहीं, वो महात्मा जी चढ़ के बैठे थे और पिटाई कर रहे थे छुटकारा पाने के लिए, क्या करे इसका। बोले हाँ ये बात तो मेरे लिए भी नहीं है। चले ब्रह्मा जी से जाके पूछना पड़ेगा, उन्होंने जगत का निर्माण किया है, उनको ही निर्णय करना पड़ेगा कि इसका क्या करे। वही खाता लेके चित्रगुप्त जी यमराज के पीछे पीछे हो लिया, उनको लेके ब्रह्मा जी के दरबार में। बोले अद्भुत जीव है, मेरी सृष्टि का ही है, बाहर का नहीं है, मेरी सृष्टि का ही है, अद्भुत जीव है, एक बारी जबरदस्ती से नाम लिया है। बोले चलो चले, विष्णु भगवान से पूछा जाए क्या करे। अभी चित्रगुप्त, यमराज, ब्रह्मा जी विष्णु जी के सामने, बोले चलो ऐसे करते हैं शिव जी से मिलेंगे। अभी विष्णु जी भी साथ हो लिए, पूरी की पूरी बारात शिव जी के यहां पहुंची। बोले इनका क्या निर्णय करना है, बोले निर्णय क्या करना है, एक बारी जबरदस्ती से नाम लेने से भी ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए, पुण्याची गणना कोण करी। भगवान का नाम जबरदस्ती भी लेते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, यदि अगर मन लगा के नाम ले तो कितना पुण्य प्राप्त होगा। हमको लगता है ये जो कहानियां होती है ना, बनी बनाई कहानियां होती है, व्यावहारिक कहानी। मैं पब्लिक कन्वेंस से घूमते रहती हूं, बांद्रा मुंबई का एक लोकल का स्टेशन है, मेरा वहां जाना आना कई बारी होता है। और उस स्टेशन पे कई सारे मांगने वाले बैठे हुए होते हैं, कतार से 10 कदम पे 10 कदम पे 10 कदम पे, आप पूरा ब्रिज चल के जाएंगे तो वहां पे मांगने वाले सब होते हैं, और सबके सब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, यही बात है, पूरा ब्रिज दोनों तरफ से बैठे हुए मिलेंगे आपको। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और बच्चे अल्लाह को थोड़ी बुला रहे, या अल्लाह मतलब पैसा दो, या अल्लाह थोड़ी उसका मतलब भगवान थोड़ी है, या अल्लाह मतलब पैसा। हमको इन सारे
प्रसंगों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। झूठ मूठ में या अल्लाह बोल रहे हैं तो भी जाते समय कोई दो दे जाता है, कोई पांच दे जाता है, कोई एक दे जाता है और पूरा परिवार चलता है, कई सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। झूठ मूठ में भगवान का नाम लेने से भी जीवन चल जाता है। यदि अगर हम अपना मन लगा के भगवान का नाम ले तो भगवान हमको भूखा रखेंगे। बात यह है हमारा विश्वास नहीं है। और मेरे जीवन में इसकी अनुभूति मुझे पक्की है। हमारे स्वामी जी का आश्रम है नहीं, आश्रम बनाना नहीं है। स्वामी जी किसी के घर में रहते हैं, स्वामी जी घूमते रहते हैं। हमारी रहने की व्यवस्था कोई ठीक नहीं होती है। हमको स्वामी जी ने किसी के इसके घर में रख, उसके घर में रख, कौन कितने दिन हमको सहेगा? चार दिन के लिए सहना ठीक है, अपने ही घर में कोई बैठ जाए सिर पे चढ़ के तो कोई आदमी कितना दिन सहेगा? तो हमारी रहने की व्यवस्था बदलते रहती है। हमको बीच में किसी ने कहा, अभी ये जो घर तुमको मिला हुआ है किराए से तुमने लिया है, कितने दिन रहेगा? मैंने बोला मैंने उसकी चिंता बंद कर दी है, जितने दिन मिलेगा रहने के लिए उतने दिन रहेंगे, उसके बाद में क्या होगा उसकी मर्जी। ऐसा चलते हुए अभी तक एक दिन भी मुझे रास्ते पे नहीं रहना पड़ा, एक दिन भी मैं भूखे नहीं रही। ये जब अपना अनुभव है तो चिंता किस बात के लिए करनी है? यदि अगर हम चिंता करते हैं इसका मतलब है हमारा भगवान में भरोसा नहीं है। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, हरि बोल हरि बोल, उसमें लगे रहो, जो होना है होते रहेगा। और वैसे भी हम कर क्या सकते हैं, जो होना है वही होता है, लेकिन सोचते हैं हमने कर लिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, भगवद गीता। अहंकार से जो विमूढ़ हुआ है वह सोचता है मैंने किया, तो क्या करो? कुछ नहीं करो, विपत्ति आए आने दो, गई जाने दो। हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, जिसके लिए मनुष्य जन्म है। हम बड़े नसीब वाले हैं, हमको मनुष्य जाति में जन्म प्राप्त हुआ है। जाति यह जो हम समाज को विभाजित करने वाली जाति मानते हैं, जाति शब्द का अर्थ समाज को विभाजित करने वाला नहीं है। जाति शब्द का अर्थ पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य जाति, ऐसे हम मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं। और मनुष्य जाति में हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, भगवान में अपने आप को लगाए रखें। तो हमको जो जन्म प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाते रहे। और उसके लिए क्या करो? आसान बात है, आसान तरीका है भगवान को याद करने का, भगवान का नाम, प्रभु का नाम लेते रहो। और उसमें सबसे ज्यादा जो भगवान परेशान होता है, जिनको सब लोग परेशान करते हैं, वो है प्रभु श्री राम। उनको सब लोग उनका नाम ले लेके परेशान करते रहते हैं, राम 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 राम। आप देखिए इतना जब दूसरे किसी भगवान का नहीं होता है इतना जब प्रभु राम का ही होता है। और सिर्फ हम लोग करते हैं ऐसे बात नहीं, शिव जी भी उनके नाम का जप करते हैं। तो हम
इस भगवान के जप में अपने आप को लगाए रहें, क्या होगा? परेशानियां दूर होंगी। अच्छा, ये है तो फिर भगवान का नाम लेंगे। परेशानियां कैसे दूर होती है? सबसे पहली बात प्रैक्टिकल, बाद वाली लंबी लंबी बातें कोई मजा नहीं आता उसमें। प्रैक्टिकल बात, हाथ में एक माला लेके बैठ जाओ, बाकी लोग परेशान करना बंद कर देते हैं। आके पब्लिक आपको परेशान नहीं करेगी, नहीं जाप कर रहे, सच में करो या झूठ में करो, हाथ में माला लेके बैठ जाओ। पब्लिक से अपने आप को बचाने का तरीका है, पब्लिक परेशान नहीं करती है, फायदा है भगवान का नाम लेने का। आप पब्लिक में माला लेके बैठ जाओ, आंखें बंद कर लेना, आपके सामने पैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाते, फायदा है भगवान का नाम लेने का। और लोग आपकी तारीफ करने लगते, अरे पता है जप करते हैं आजकल तो भगवान में लगे हैं। तो क्या है, थोड़ा मान सम्मान भी बढ़ जाता है पब्लिक में, इसके लिए भगवान का नाम लो। ये क्या है, इहलोक की प्रगति, इहलोक की प्राप्ति। दूसरा फायदा होता है, यदि अगर आप वास्तव में माला जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कम से कम उतना समय तो पब्लिक से परेशान नहीं होते हैं कि चलो भगवान का नाम ले रहे, तो अभी पब्लिक को थोड़ा दिमाग से बाहर रखो, अपने आप को यहां लगाए रखो, पब्लिक को थोड़ा बाद में निपटा लेंगे, अभी तो यहां पे रहो। मन धीरे धीरे एक जगह पर टिकना सीख जाता है, इसके लिए भगवान का नाम लो। जो शारीरिक परेशानियां हैं, बताते हैं आप ये जाप करो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो जाप करो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो जाप करो बीमारी ठीक हो जाएगी। होता क्या है, जब जाप में लग जाते हैं, कम से कम उतने समय तो बीमारी परेशान नहीं करती है, उतने समय तो भूल जाते हैं कि हाँ कुछ हो रहा था। दोबारा से जैसे ही माला रखी शुरू हो जाता है, क्या करो, दोबारा से माला हाथ में पकड़ो, दोबारा से माला हाथ में पकड़ो, माला रखने से ही दर्द शुरू होता है ना, दोबारा से माला हाथ में पकड़ो। चाहे जो बहाना हो, भगवान का नाम लेते रहिए। शुरू में ऐसे लगता है ये बातें मजाक है, लेकिन जैसे जैसे इसमें लगते हैं वैसे वैसे इसमें रस आना शुरू होता है। और नाम लेते समय हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप सीरियसली माला लेके एक कोने में बैठ के भगवान का नाम लेते रहिए, और बिल्कुल दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये बात असंभव है, होती नहीं है। बोलने के लिए बात बहुत आसान है कि लेते रहिए एक माला, तो कम से कम दूसरी चीज की याद नहीं आनी चाहिए, चार पांच नाम हो गए तो मनीराम किधर चले गए पता नहीं लगता है, जब मेरु मणि आता है तब पता चल, अच्छा माला खत्म हो गई तो क्या कर रहे थे अब तक। यह जो बात है ये अपने मनीराम को देख के इस बात को समझना है कि भाई ये तो अपनी बात नहीं है कि इतना लंबा हम उसको ले सकते हैं, तो क्या करो, कितना देर अपनी ताकत है। श्री राम, श्री राम, श्री राम,
तीन बार ही कहा, बीच में विचार नहीं आया, ठीक है रुक जाओ, दोबारा से शुरू करो। माला पूरी करनी है, जप पूरा करना है, ये एक विषय है। और इस प्रकार से धीरे धीरे, तीन बारी होता है, चार बारी होता है, पांच बारी होता है, विचार नहीं आता है मन में, बहुत बड़ी बात है। मन में अन्य विचारों को आने के लिए रोकना, इसके लिए नाम लेना है, इतनी माला फेर के खत्म करनी है, इसके लिए नहीं लेना है, एक तरीका। धीरे धीरे मन इसका आदि हो जाता है कि ये शुरू करने के बाद में वो बाहर के जगत को छोड़ के अपने आप को समेट लेता है। दूसरा तरीका, क्योंकि ये जो मन है, ये मन इतनी आसानी से वश में नहीं होता है, क्योंकि मन का वश में होना मतलब मन का नष्ट होना है, और कोई अपने आप को नष्ट होते देख नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो नए नए टेक्निक ढूंढ के निकालता है कि कैसे हमको दुनिया में घसीट के ले जाए। ठीक है, हम भी नए नए टेक्निक ढूंढेंगे तुमको बाहर से खींच के अंदर लाने के। जो हम बता रहे हैं ये कुछ टेक्निक है, जब इसमें काम करना शुरू करें तो अपने टेक्निक नए भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जो भी है, बात है मन को हरी बोल उधर लाके रखना है। दूसरा टेक्निक, जो हम नाम लेते हैं, हरी बोलते हैं, इसके बीच के गैप को लंबा करना है। जैसे हम बोल रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम, लय बनते जा रही है। लय जैसे बनते जाती है, नाम मैकेनिकल होने लगता है, इधर दूसरा शुरू होता है। तरीका, नाम ले रहे श्री राम श्री राम, गैप बढ़ानी है, श्री राम श्री राम, ये बीच वाली गैप में ध्यान रख के देखना है मन का क्या हो रहा है। ये है मन को हरी में लगाना, हरी बोल। अन्यथा मैकेनिकली यदि अगर हम नाम लेते हैं तो मालाएं पूरी हो जाती है, मन को सुकून भी मिल जाता है, लेकिन अंतकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे अंतकरण में परिवर्तन हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो चाहता है हमारा मन अस्थिर है, ऐसे ही रहे। हम चाहते हैं, बड़े दिल से चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर रहे, हमारा मन हमारी बात माने, लेकिन हमारा मन हमारी बात मानता नहीं है, क्योंकि हमने उसको आदत नहीं लगाई है। उसको हमको ट्रेंड करना पड़ेगा। और इस प्रकार के ये जो टेक्निक है, ये ट्रेनिंग के टेक्निक है। 16 की बात है, हम किसी से मिलने के लिए उनके घर गए, खाने पे बुलाया था। लोगों के घर पे खाने के लिए जाना ये हमारा काम है, बड़े खुशी का काम होता है। हम इंतजार करते हैं कौन खाने पे बुलाए हमको, हम बड़े तैयार रहते हैं उसके लिए। हमको किसी ने खाने पे बुलाया, हम 4 लोग पहुंचे, हम उनके दरवाजे पे पहुंचे। उनके घर की विशेषता थी, उनके बंगले की विशेषता थी, उनके घर की कॉल बेल गेट के बाहर थी,
घर के दरवाजे पे नहीं, गेट के बाहर के दरवाजे पे कॉल बेल थी, और हम चारों लोग कॉल बेल को देख के दरवाजे के और सामने डिस्टेंस पे खड़े थे। चारों में से कोई भी जाके बेल बजाने के लिए तैयार नहीं था, चारों के चारों गेट के बाहर है, क्योंकि एक अल्सेशियन मेंटेन किया हुआ इतना बड़ा लंबा चौड़ा, उसने आवाज नहीं की, वो सिर्फ ऐसे चारों की तरफ देख रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर, और हम चारों के चारों चुप। वहां बाहर बेल है, उसको भी नहीं बजा रहे कि अंदर से कोई बाहर आए। घर वालों को पता था इस समय बुलाया है तो आएंगे। उन्होंने खिड़की से देखा, दरवाजा खोला, बाहर आए और उन्होंने आवाज लगाई, भालू। भालू ने अपनी पूंछ नीचे की, भालू उनके पीछे 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 गया। उन्होंने ले जाके भालू को उसके पिंजरे में बंद किया, आके गेट खोला, हम लोगों को अंदर ले गए, घर में बिठाया, बोले बैठिए, भालू को खोल के आता हूं। बाहर गए, भालू को दोबारा से खोल दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा भालू, और उनके मन की बात भालू को समझ में आ गई कि अभी मुझे इनके पीछे पीछे जाना है। कैसे समझ में आई? भालू को ट्रेंड किया गया है, सिखाया गया है, और वे सारी की सारी बातें भालू मानता है। हम मनुष्य हैं, हमारे मन को हमने ट्रेंड नहीं किया है, हमको भालू के जैसे अपने मन को ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें से तरीका है हरि बोल। जो भी अपनी इष्ट देवता है उसको हम पकड़े, उसमें लगे रहे, उसको बोलना है। यह जो बात है, यह बात हरिपाठ के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर जी हमको सिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि हम दुख की स्थिति में ही याद करते हैं, बाकी समय कौन याद करता है? भगवान को हम कभी याद नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं। और बात तो गलत नहीं बताई है, बात तो सही बताई है। और हमारा मन लालच को पकड़ता है, इसके लिए पुण्य का लालच हमको दे के रखा है कि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका भला होगा। और यह झूठ मूठ का वादा नहीं है, क्या चुनावी जुमला नहीं है, यह हकीकत है, यह वास्तविकता है। तो क्या करें, लगे रहो मुन्ना भाई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उसी में लगे रहिए। बाकी जो बातें हैं कल, आज के लिए विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।